नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त रोहित फिर से नई वीडियो और नई बातों के साथ। आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है। मैं आज आपको बताऊंगा कि लोअर बैक के पेन से आपको कैसे राहत मिल सकती है। वैसे बैक पेन अलग तरीके और एज में होता है। जैसे कि यंगस्टर्स के बारे में बात करें, गलत टेक्निक से एक्सरसाइज करने की वजह से आपके लोअर बैक में पेन हो सकता है। अगर आप वेट लिफ्टिंग करते हो, अगर बेल्ट नहीं बांधते तब भी आपके लोअर बैक में पेन हो जाता है। अब बच्चों के बारे में बात करें, स्टडी गलत तरीके से करने की वजह से, अगर बैक स्ट्रेट करके नहीं बैठते, अगर सोते भी हैं तो गलत तरीके से सोने की वजह से ही लोअर बैक में पेन उनके हो जाता है। अब ज़्यादा एज वालों के साथ क्या होता है, एक तो एज फैक्टर की वजह से, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, झुक के चलने से, झुक के बैठने से उनके ये प्रॉब्लम बढ़ जाती है। तो ऐसे में आपको मैं कुछ बातें बताऊंगा जिनको आपको ध्यान रखनी है, फिर देखना आपको कैसे इससे राहत मिलेगी। तो सबसे पहले मेरे साथ इस वीडियो में बने रहने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, अगर वीडियो अच्छी लगे तो शेयर करें, प्रेस द बेल आइकन बटन ताकि आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपके पास आ जाए। पहले मैं यंगस्टर्स के बारे में बता देता हूँ। आप लोग रेगुलर वर्कआउट करते हो और शेड्यूल के अकॉर्डिंग जो भी वर्कआउट आपका शेड्यूल एक बना रहता है, आप लोग एक चीज और ऐड ऑन कर लो। आपको 15 मिनट वर्कआउट से पहले स्ट्रेचिंग करनी है, उससे क्या होगा, आपका मसल फ्री हो जाएगा और आपके बॉडी में क्रैम्प नहीं आएगा। आप लोगों से मेरी एक रिक्वेस्ट है, आप लोग बिना टेक्निक और गलत तरीके से एक्सरसाइज आपको नहीं करनी। अगर वेट लिफ्टिंग करते, वेट ज़्यादा उठाते हो तो सारा स्ट्रेच हमारे लोअर बैक पे आता है, जिससे हमारे स्लिप डिस्क की प्रॉब्लम हो सकती है अगर आप बेल्ट नहीं बांधोगे। अगर खड़े होकर वर्कआउट करते हो, ज़्यादा वेट लिफ्टिंग कर रहे हो, तब भी आप बेल्ट नहीं बांधोगे तब भी आपके प्रॉब्लम लोअर बैक में हो सकती है। आप लोग अलग अलग डेज पे अलग अलग मसल्स को ट्रेन करते हो, जैसे चेस्ट की एक्सरसाइज, बाइसेप्स को ट्रेन करते हो, ऐसे ही आपको लोअर बैक की एक्सरसाइज ऑल्टरनेट डेज पे करनी है। जब आपका वर्कआउट ये कंप्लीट हो जाता है एंड में आपको ये एक्सरसाइज रेगुलर ऑल्टरनेट डेज पे आपको करनी है। जैसे मैंने आपको ऑल्टरनेट डेज पे बता रहा हूँ, जैसे हाइपर एक्सटेंशन करिए, डेड लिफ्ट करिए और भुजंग आसन करिए। इससे क्या होगा, आपके लोअर बैक में पेन नहीं होगा और आपको रिलीफ मिलेगा। तो मैं आपको कुछ इस वीडियो में आपको एक्सरसाइज भी बताऊँगा, तो देखना जरूर। आपको बच्चों के बारे में अगर स्टडी करते हैं तो बैक स्ट्रेट करके बैठे, अगर चलते भी हैं, वॉक करते हैं तो कमर सीधी आपको रखनी है। 1 से 1.5 घंटे के बीच में आपको बॉडी को मूवमेंट देते रहना है, नेक की स्ट्रेचिंग करते रहना है। उससे क्या होगा, आपका मसल स्टिफ नहीं होगा, लोअर बैक से स्ट्रेच नहीं आएगा। तो इन बातों का आपको ध्यान रखना है। अब मैं आपको एड्रेस के बारे में बताता हूँ। जैसे कि एक तो एज फैक्टर की वजह से दर्द रहता है, एक्सरसाइज ना करने की वजह से, बॉडी को कोई भी मूवमेंट ना देने की वजह से, झुके चलने से, उनके बैठने से उनके लोअर बैक का पेन बढ़ जाता है। तो ऐसे में उनको राहत कैसे मिल सकती है, मैं आपको बताता हूँ। सुबह मॉर्निंग में वॉक करिए, स्ट्रेचिंग करिए, बॉडी को मूवमेंट देते रहिए, कैल्शियम के लिए दूध पीजिए और बादाम लीजिए, अखरोट यूज कर सकते हो। इससे आपकी बोन स्ट्रांग रहेगी और आप एक्टिव रहोगे, पूरे दिन आपकी एनर्जी बनी रहेगी। तो जैसे मैंने आपको बातें बताई हैं, इसको करो। और आप लोग उसके लिए एक रिक्वेस्ट है, आप लोग एक्सरसाइज जो भी करते हो टेक्निक से करें, बिना टेक्निक के आपको एक्सरसाइज नहीं करनी। अब मैं आपको बताता हूँ, अगर आपके लोअर बैक का पेन है कैसे में एक्सरसाइज कर सकते हैं। आप ऐसे में स्ट्रेचिंग ही करें, जैसे मैं आपको अभी इस वीडियो में बताऊंगा वही लाइट लाइट आपको स्ट्रेचिंग करनी है। अगर ज़्यादा वेट लिफ्ट या आप लोग ज़्यादा स्ट्रेचिंग या ज़्यादा हाई इंटेंसिटी से करोगे, उससे आपको लोअर बैक का पेन बढ़ सकता है। तो मैं आपको रिलीव करने के लिए लाइट स्ट्रेचिंग वीडियो में आपको भी बताऊंगा और आपको करके दिखाऊंगा एक्सरसाइज। आपको वो करोगे तो आपको राहत बहुत मिल सकती है। तो अब करते हैं ना।